जो भी हमारे साथ नौजवान पीढ़ी के बच्चे आए हैं, लड़के आए हैं, छोटे भाई आए हैं, भतीजे आए हैं, उनका सबका धन्यवाद, क्योंकि सबके फोन मेरे को आए थे और उन्होंने कहा था कि जिस दिन भी शहीद चंद्रशेखर साहब का जिस दिन उनकी जयंती होगी तो हम भी साथ चलेंगे। जितने भी युवा हमारे साथ आए हैं, दिल की गहराइयों से सबका शुक्रिया, और जो यहाँ के हैं उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया। इसलिए सारे देशवासियों को शहीद चंद्रशेखर आजाद साहब की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे हिंदुस्तानी जितने हमारे बुजुर्ग हैं, हर जाति धर्म के लोग मेरे को अपने परिवार का मेंबर मानते हैं और हर जाति धर्म के लोगों को मैं अपना परिवार मानता हूं। इसलिए आज के दिन पूरे देश में शहीद चंद्रशेखर साहब जी की जयंती मनाई जा रही है। जहां जहां भी मनाई जा रही है, सबका दिल की गहराइयों से सबका धन्यवाद, सबका शुक्रिया, क्योंकि हमारे देश का इतिहास गवाह है। हमारे देश का जितने भी लोग हैं, सब देशभक्त लोग हैं और देश के लिए शहीदियां देने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। शहीद चंद्रशेखर आजाद सर, शहीद चंद्रशेखर आजाद सर, शहीद चंद्रशेखर आजाद सर, शहीद चंद्रशेखर आजाद सर, अमर रहे, अमर रहे। शहीदियां देने की बारी आती है, चाहे देश आजाद कराने से पहले शहीदियां देने की बारी आती है, चाहे कश्मीर में शहीदियां देने की बात आती है, चाहे जब सीमा को सुरक्षित रखा जाता है तो तब शहीदियां देने की बारी आती है। तो हर जाति धर्म के लोग शहीदियां देने के लिए अपने परिवार के बच्चों को सेना में भेजते हैं और वो हंसते हंसते शहीदियां देते हैं। पूरे हिंदुस्तान, पूरे देश के लोगों की हिफाजत करते हैं। और हमें बड़ा इस बात का फख्र होता है कि हमारे देशवासियों में देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। और मैं आज के दिन सरकारों को भी कहना चाहता हूँ, आप नौजवान पीढ़ी के साथ धक्का मत करें, उनके साथ उनके रोजगार मत छीने। उनके सेना में जाने में जो आपने कर दिया है कि 21 साल में आप उनको रिटायर कर दोगे, ये मत कीजिए। सेना है तो देश है, बेल्ट फोर्स है तो देश है। आपको सरकार ने बिठाया है, इसी नौजवान पीढ़ी के बच्चों ने बिठाया है, इन्हीं सीनियर लोगों ने बिठाया है, इन्हीं महिलाओं ने बिठाया है। आपके बड़े बड़े प्रोग्राम, आपकी हर जगह पे आपका नाम लिया जाता था, आपकी पार्टी के नारे लगाए जाते थे, लेकिन आज देश को आप क्या खतरे में दे रहे हो? आप सरकार तौर पर पूरे देश में आपको समर्थन मिला था, लेकिन आज क्या करी जा रहे हो? किसके लिए करी जा रहे हो? हमारे शहीदों ने शहीदियां दी थी, इसलिए नहीं थी दी थी कि नेता लोग एमपी बनेंगे, एमएलए बनेंगे, मंत्री बनेंगे और देश को लूटेंगे। आज आपको मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, ऑन कैमरा मेरी टेप करके रख लेना, मेरे एमएलए बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद मेरी गाड़ी आगे पुलिस की कोई गाड़ी नहीं चलेगी। भैया आपको चलना है साथ चलो, नहीं चलना है तो चले जाओ, अपने अफसरों को बोल दो कि हमने नहीं आपको साथ लेना। मेरे साथ तो बथेरे युवा है, मेरे साथ तो हर तरफ से लड़के, मेरे पार्टी गार्ड यही है, मेरे साथ चलते हैं। मेरे को पुलिस के बॉडी गार्डों की जरूरत नहीं है, मेरे को जो होगा हम आपके बंदे हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। मैं लोगों को जसरोटा विधानसभा क्षेत्र और बसोली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कहना चाहता हूँ, जितनी देर इस धरती पे हूँ, जितना फायदा ले सकते हो, जितना काम ले सकते हो, जितनी सेवा करवा सकते हो करवा लो। भगवान का जिस दिन स्नेह आ गया तो चले जाना है, उसके बाद आपको ऐसा ईमानदार, ऐसा सेवक सिर्फ बातें करोगे नहीं मिलेगा। जो गारंटी है इस बात की, तो अपने इसी इलेक्शन में देख लेना, हम कहते हैं अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करो। इस बार वोट हाथ जोड़ के मांग रहे हैं, अगली बार वोट अपने दोनों हाथों में रिपोर्ट कार्ड लेके मांगेंगे, ये हमने किया। रिपोर्ट कार्ड की किताबें लेके कि ये हमने 5 साल में किया। यहाँ पे बड़ी बड़ी मीटिंगों में कहते हैं हाथ खड़ा करो, मैं कहना हाथ खड़ा करो सारे, ये ऐसे कहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ जो वोटर है ना, वो क्यों हाथ खड़ा करेगा? मैं करप्ट नेताओं के विधानसभा में हाथ खड़े उनके करवाने वाले हूँ, विधानसभा में करप्ट नेताओं के हाथ मैं खड़े करवाने वाला हूँ, जनता क्यों हाथ खड़ा करे?
जनता क्यों, मैं आपको बताऊं, कह रहे मारो ताड़ी, क्यों जनता को ठीक लगेगा मरेंगे, नहीं लगेगा नहीं मरेंगे, जबरदस्ती आगे पीछे पुलिस बैठ के कहते हैं वो करो हाथ खड़े और दोए करो और त्रैवे करो है भाई, क्यों जिस जनता ने वोट डालना है उसने अपने अंगूठे से वोट डालना है, बटन दबाना है, हाथ खड़े को आप करके ईमानदारी होती है। अगर आप मुकाबला करना चाहते हो तो जबरदस्ती पे मुकाबला करो, सेवा पे मुकाबला करो, ईमानदारी पे मुकाबला करो। जब भी इलेक्शन आता है कोई दिल्ली की आवाज से जीतता है, कोई श्रीनगर की आवाज है, जो बंदा 5 करोड़ रुपए की टिकट लेके, 2 करोड़ रुपए की टिकट लेके, 3 करोड़ रुपए की टिकट लेके लोगों को लूटने जाएगा, वो जब होगा पार्टी फंड का 5 करोड़ की टिकट मिलती थी, बोलने लगती है बड़े बड़े सेठ लोग आजकल पार्टियों में ज्वाइन हो रहे हैं, उसके बाद लूटेगा किसको, जनता को लूटेगा, जनता को लूटेगा, क्यों लेनी है टिकट मूल है, क्यों खरीदनी है टिकट, आप सब लोग बुढ़े हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसी हो, चाहे बाकी जो पीडीपी पार्टी जो यही जम्मू कश्मीर में राज किया है, आप जिम्मेवार हो, जम्मू कश्मीर में बेड़ा गर्क करने वाले जो उस समय एमएलए थे, मंत्री थे, एमपी थे, मंत्री थे, आप जिम्मेवार हो, आज फंड करके बताते हो, मैं कहता हूँ परवाह नहीं करनी किसे कल की, मैं आपके सर पर परवाह नहीं करता, कसौली विधानसभा क्षेत्र के लोगों के सर पर मैं परवाह नहीं करता, मैं जसरोटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के सर पर परवाह नहीं करता, मैं जिसमें कसौला के लोगों के सर पर परवाह नहीं करता, जब भी इलेक्शन आता है ये कुछ नहीं देते, एक एक टी शर्ट देते हैं, और टी शर्ट में अपने लीडर का नाम और लीडर दूसरा निशान है। हम कहना चाहते हैं, मैंने पहले भी कहा था आज भी, मैं आजाद इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरी बीवी भी आजाद इलेक्शन लड़ रही है, दोनों को जब हम फार्म भरेंगे उसमें हमें जो निशान मिलेगा हमारा निशान लोगों तक पहुंच जाएगा, हमारा पहुंच जाएगा, हम कोई ऐसी टी शर्ट नहीं प्रिंट कराएंगे जिसमें मेरा फोटो होगा या इसका फोटो होगा, या कहीं कोई प्लेट नहीं लगाएंगे एमएलए बनने से पहले भी और बाद भी, कोई रिबन नहीं काटेंगे एमएलए बनने से पहले भी और बाद, और जो भी टी शर्टें दी इसी शहीद के जयंती पे टी शर्ट दी जाएगी, उस शहीद का ऊपर फोटो होगा और पीछे लिखा होगा जय हिंद जय भारत, मेरा कोई फोटो नहीं होगा, मेरा इलेक्शन का निशान कोई नहीं होगा, ये पहले भी ऐसे होगा बाद में भी होगा। मैं इन पार्टियों को मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप टी शर्टों वाला पखंड छोड़ दो, आप छोड़ दो अपने निशान को, आप निशान को करने के लिए अपने निशान के अपने लीडर की, और मैं युवा पीढ़ी को भी कहना चाहता हूँ इन लीडरों की दी हुई जिस पे लीडर का निशान हो, आप अपने दादा परदादा के निशान की टी शर्ट लगा लो, आप किसी देवी देवताओं के निशान की टी शर्ट लगा लो, आप गुरुओं के नाम की टी शर्ट, गुरुओं के फोटो की टी शर्ट लगा लो, आप उन शहीदों की टी शर्ट लगा लो जिन्होंने देश आजाद कराया, आप उन शहीदों की टी शर्ट लगा लो जिन्होंने पुलवामा में अपनी शहीदियाँ दी, जिन्होंने उन शहीदों की लगा लो जिन्होंने चाइना के साथ जंग लड़ते हुए चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया। चंद्रशेखर आजाद साहब, हिंदुस्तान शहीद भगत सिंह साहब, शहीद भगत सिंह साहब, शहीद भगत सिंह साहब, अमर रहे अमर रहे, जय हिंद जय भारत। अगर आपने सेना वालों की इन पैरामिलिट्री फोर्स की, थल सेना की, नेवी की, एयरफोर्स की, अगर इनकी आपने पेंशन बंद कर दी, इनका इतना सा, ये कौन सी स्कीम है, अग्निवीर है, अग्निवीर ये कौन सा सिस्टम चला दिया आपने, ये गलत है। अगर आपने इनकी पेंशन बंद कर दी है, इनका 4 साल का पीरियड आपने कर दिया कि 4 साल कोई सेना में काम करेगा, उसके बाद क्या करेगा, आप तो 21 साल के बाद जो होगा उसको घर में बिठा दोगे, उसके बाद आगे क्या करेगा। अगर इनकी पेंशन चुकती है, इनकी लंबी नौकरी चुकती है, तो लीडर किस लिए है, इनको भी रिटायर करो, इनकी भी पेंशन बंद करो, एमपी 8-8 पेंशन लेंगे, एमएलए 8-8 पेंशन लेंगे, वो इतनी तनखा लेंगे, डबल तनखा लेंगे, और एक सेना का जवान वो जो बॉर्डर पे अपनी जान देगा, अपने प्राण निशावर करेगा भारत माता के लिए, तो उसको आप 4 साल में कर बिठा दोगे। आप, मैं कहता हूँ मोदी साहब, जम्मू बीजेपी ये आपकी जो पार्टी है, ये बीजेपी पार्टी आपकी होगी है, ये इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी, मतलब नहीं रहा जम्मू कश्मीर वाली बीजेपी का, इसका कहा पहले जरूर पार्टी बीजेपी को वोट डालो, ये पहले जरूर कर देगी, काम नहीं लगाएगी, ये इसका मतलब तकलीफ होती है।
बोलते तेरे को एक टिकट दे देंगे, बोल कहां से लेनी है। मैंने बोला अरे तेरे को बोलते तेरे को सस्ती दे देंगे। मैंने बोला मैं 1 रुपया भी देना, मैंने ले नहीं टिकट, मैंने किसी पार्टी की टिकट नहीं लेनी, आजाद मरना है। मैंने जनता के आशीर्वाद से, जो उम्र में बड़े हैं उनका आशीर्वाद, जो उम्र में छोटे हैं उनका साथ, उनका साथ, जनता के आशीर्वाद। उसके बाद जनता को पूछ लिया जाएगा कि किस पार्टी को ज्वाइन करना है। अगर जनता बोलेगी इन 3-4 पार्टियों में से किसी को ज्वाइन करना है तो करेंगे, अगर जनता बोलेगी अपोजिशन में बैठो तो अपोजिशन में बैठो बैठेंगे। मैं कहना चाहता हूँ अगर आपके इलाके का MLA ईमानदार हो तो उसकी कैबिनेट मंत्री पावर होती है, अगर आपके इलाके का कैबिनेट मंत्री ईमानदार हो तो उनकी CM की जितनी पावर होती है। मैं दिखाऊंगा, इस बार मैं दिखाऊंगा, इन्होंने आपकी बेईमानी दिखी है ना, जितने लीडर पिछे रहे हैं सब बेईमान, सब ठगू, कोई प्लेटू नेता, कोई ठगू नेता, कोई कपू नेता, ठीक है। यहाँ देखी गली वहाँ प्लेट ठग, वहां जहां देखा काम वहां लगा दिया क्रशर, यहाँ देखा काम वहां लगा दिया अपने प्रॉपर्टी के ठेकेदार। हमारे घर से हमारा प्रॉपर्टी का कोई ठेकेदारी नहीं करेगा, कोई क्रशर नहीं लगाएगा, कोई पैसा देना चाहता हूँ। PM साहब आप तो ईमानदार है, आपका फर्ज बनता है, आपकी पार्टी में जितने बेईमान लोग हैं, जितनी गलत जितने आपके फैसले होते हैं गलत, उसके लिए बोलना चाहिए। मोदी साहब क्या मजबूरी है, कौन से कारोबारियों ने घेर लिया, कौन से आपके राजनीतिक संगठन वालों ने घेर लिया, क्योंकि आप तो ईमानदार बंदे थे, ईमानदार हैं और ईमानदार रहेंगे। लेकिन ये कौन कौन से कानून पास किए जा रहे हैं, कौन सा कानून, आज 21 साल का युवा उसको उतार करके घर में बैठा दोगे और उसके बाद उसको पेंशन नहीं मिलेगी। मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर युवाओं का, अगर बेल्ट फोर्स के जवानों का, पैरामिलिट्री फोर्स का, नेवी वालों का, एयरफोर्स वालों का, थल सेना वालों का, अगर आप पेंशन बंद कर देंगे, पेंशन बंद कर देंगे और उनकी जैसे चल रहा था ठीक था, बड़ी उम्मीद थी कि और आप अच्छा करेंगे, लेकिन आपने तो ये कर दिया कि जो लोगों के पास था वो भी छीन लिया। ये अच्छी बात नहीं है, ये BJP का धक्का चल रहा है, ये धक्का नहीं चलेगा। आप क्या सोचते हो कि आप जो करोगे लोग मान लेंगे, लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे, लोग रोडों पे नहीं खड़े प्रदर्शन करके पुतले नहीं जला रहे, आपने लोगों को क्या समझ रखा है कि लोग नहीं कर रहे तो लोग सहमत है। जैसे इलेक्शन होंगे, चाहे वो MP इलेक्शन होंगे, चाहे MLA इलेक्शन होंगे, जनता ठोक के जवाब देगी आपको। मोदी साहब मैं पूछना चाहता हूँ क्या मजबूरी है आपकी, क्यों युवा विरोधी सरकारों की हार की, आपके कौन से कारोबारी मित्र हैं जो आपको चला रहे हैं और रिमोट से चला रहे हैं। ये गलत बात है, देश का युवा देश की ताकत है, ये युवा आगे आने वाला इनका देश का भविष्य है। आपने क्या कर दिया हर डिपार्टमेंट में आप प्राइवेट करी जा रहे हो, हर डिपार्टमेंट को आप बेची जा रहे हो और सेना के आप तो आपने सेना पे बार कर दिया। ये ही सेना ने अगर देश मजबूत है, अगर आज देश से चीन डरता है, आज अगर हमारे देश से पाकिस्तान डरता है तो आप लीडरों से नहीं डरता, ये सेना के जवानों की वजह से डरता है, ये मेरे पैरामिलिट्री फोर्स वालों से डरता है, जो हमारे इस इलाके के नौजवान बच्चे सड़कों पर धोरे लगाते हैं, सेना में जाने के लिए तैयार होते थे। आपने ऐसा कानून बना दिया 21 साल में डर। मैं आपके जम्मू कश्मीर पर जितने भी BJP के हैं सबने धक्का करना शुरू कर दिया है। हमारे इलाके में, हमारे जम्मू कश्मीर में पहले बच्चों की 370 तोड़ के उनकी नौकरियां छीन ली, 370 लगा दो, हमारे जम्मू कश्मीर की बच्चे कोई नौकरी हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को मिलनी चाहिए। हम तो हमारे पास तो कोई जमीन नहीं है, पहाड़ी एरिया है, बड़ी खेती बड़ी कम है। हमें राजा महाराजा हरि सिंह साहब ने ये नौकरियां ये कहा था कि चलो अपनी स्टेट के बच्चों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, वही ये इस जम्मू कश्मीर में जमीने खरीदेंगे, वही इसे यहाँ कारोबार करेंगे। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, आपके 25 MLAs ने वह समझौता कर लिया, दिल्ली में समझौता कर लिया। मेरे को जानकारी मिली है जो आपके 25 MLA बड़े थे, तो जो एक उधमपुर कठुआ और टोडा विधानसभा क्षेत्र से MP है, इस समय मंत्री है, और एक जम्मू कश्मीर वाले वो भी साथ थे और 25 MLA थे, तो जब अमित शाह साहब ने मीटिंग ली उन्होंने बोला जम्मू कश्मीर वाले ये पूरी सीटें कब देंगे जब BJP का चीफ मिनिस्टर आएगा, तो इन्होंने 25 MLA ने सभी ने बोला था आज पखंड करते हैं, आज BJP के वो 25 MLA बेड़ा गर्क उन्होंने खुद कराया। डोगरा सर्टिफिकेट जब कैंसिल हुआ तो क्यों नहीं कुर्सी छोड़ी, क्यों नहीं रिजाइन किया, क्यों नहीं अपने MP की कुर्सी छोड़ी। आज कहते हो BJP बुरी है, BJP की टिकट से जीतते हो, BJP की टिकट से
मंत्री बनते हो, बीजेपी की टिकट लेके लोगों पापड़े पापड़ी तरक्की करते हो, आज आज सब लोग जिम्मेवार हो। जो आज जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ हुआ है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुआ है, जम्मू कश्मीर में महिलाओं के साथ हुआ है, जो 25 MLA और वो 2 MP, एक अखनूर वाले, एक जम्मू, एक कठुआ, उधमपुर और डोडा वाले, जो मंत्री बन के वहां दिल्ली बैठे हैं, बड़ा कट कर दिया है जम्मू वालों। मेरे को बताओ, हम लोगों ने, जम्मू के लोगों ने क्या कसूर किया आपकी 25 सीटें देके? आपने नौकरियां छीन ली, आपने जमीने छीन ली, आप कटोरियां कैंसिल कर रहे हो, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। आज मैं आपको बताता हूँ, आप आओ में घूमते हो ना, क्या जो में घूमते हो, सरकारी गाड़ियों में घूमते हो, आपको क्या पता, आप एसी रूम में बैठते हो, सरकारी सारी सुविधा लेते हो। ये देश पे बोझ है, ये करप्ट नेता देश पे बोझ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जब इलेक्शन आता है, आप धर्म की राजनीति से वोट मांगते हो, हिंदू मुस्लिम करते हो, आप जातिवाद के नाम से वोट मांगते हो। मैं कहता हूँ, हर जाति धर्म के लोग मेरा परिवार है, हर जाति धर्म के लोग मेरे को अपने परिवार का मेंबर मानते हैं। आजकल ड्रामा पखंड शुरू हुआ है, जब भी कोई लीडर, अब इलेक्शन आ गया नवंबर दिसंबर महीने, गोल रेट करवाने में करो, इलेक्शन तो आपको कराने पड़ेंगे, कितने लेट करोगे। हम तो विधानसभा में पहुंचेंगे, मैं भी पहुंच चुका हूं, दूसरी विधानसभा क्षेत्र से जीत के, और मेरी बीवी जसोटा विधानसभा क्षेत्र से जीत के पहुंचेगी, पक्का। देख लेना जिस रिजल्ट आएगा, जिसने मुकाबला करना है हमारी ईमानदारी से मुकाबला करे, हम अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे। आप अपना जब मंत्री थे, जब आप MP हैं, मंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखे, जो हमने किया है बिना मेले बने, जो हमने किया है हम अपना रिपोर्ट कार्ड रखो। रिपोर्ट कार्ड जब भी बड़ी बड़ी मीटिंग करते हो, करोड़ों रुपया मीटिंगों पे खर्च करते हो, करोड़ों रुपया टेंटों पे खर्च करते हो, करोड़ों रुपये गाड़ियों पे खर्च करते हो, भैया अगर आपने काम किया है तो डोर टू डोर घूम के लोगों से वोट लो ना। क्यों तबाही करते हो लोगों की? पैसा पहले किट पे खर्च करते हो, फिर बड़ा बड़ा प्रोग्राम करते हो, फिर दूसरी स्टेटों से लोग आगे पीठ दिखाते हो, उसके बाद बोलते हो साथ में टिकट लेनी दूसरे स्टेट के, उन लोगों को जनता पे, जनता समझ चुकी है। आपका जितना भी ड्रामा है पखंड है, कोई मोदी साहब के नाम से बोल लेता है, कोई सरदार मनमोहन सिंह जी साहब के नाम से बोल लेता है, कोई फारूक अब्दुल्ला साहब जी के नाम से बोल लेता है, कोई केजरीवाल साहब जी के नाम से वोट लेता है। भैया हम वोट लेंगे अपने नाम से लेंगे, अपने ईमानदारी से लेंगे, अपने सेवा के दम पे। बड़ी तकलीफ है, जो जब इनकी सरकार बनने लगी थी ना, बीजेपी और PDP की जब बड़ी थी, उससे पहले लोगों ने बड़ी उम्मीदों से वोट डाले थे। इन्होंने क्या किया था पे वोट लेके, आज इन्होंने ये कर दिया कि जो बंदा कार में था वो स्कूटी पे आ गया है, जो स्कूटी पे था वो साइकिल पे आ गया है, जो साइकिल पे था वो पैदल हो गया है। ये तरक्की की है आपने जम्मू वालों की, बड़ा कर किया। मैं कहना कोई किसी की जहां अफसर तकाशाही कर रहे हैं, जब भी कोई बात होती है, यहां सरकारी अफसर, सरकारी अधिकारी, वो क्या कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज इस शहीद चंद्रशेखर आजाद साहब के जन्मदिन पे मैं आपको कहता हूं, जितनी बार बनाओगे, पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, 100% ईमानदारी और 100% सेवा से। आप मेरा पिछला इतिहास देख लीजिए, मैं ईमानदार और सेवादार हूं, आपके इलाके में, आप न्यूज में देखते रहते हैं, सेवा करते रहता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब भी इलेक्शन आता है मत कहीं हिंदू मुस्लिम के चक्कर में फंस जाओ, ये पखंड बड़े करेंगे, ये षड्यंत्र बड़े करेंगे, ये बड़ा वो ऊंच नीच वाली बातें करेंगे, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाएंगे, ये जातिवाद में बांटने की कोशिश करेंगे। जो बंदा जातिवाद से वोट मांगता है वो सबसे बड़ा ठगू नेता होता है, जो बंदा हिंदू मुस्लिम करके वोट मांगता है सबसे बड़ा पंगू नेता होता है वो। मैं MLA बन के विधानसभा में मैं रोज ही पंगा डालूंगा, रोज ही क्लेश डालूंगा कि हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों की नौकरियां वापस दी जाए, 300 कतर लगाई जाए, हमारी नौकरियां हमारे बच्चों को दे दे, बस हमें कोई नहीं है, हमारी जमीनें कोई बाहर का आगे यहाँ इंडस्ट्री ना लगाए। मैं कहना चाहता हूँ, इस बार करप्ट नेता चाहे किसी भी पार्टी के हो, चाहे एक झूठ संगठन भी बना हुआ है, एक झूठ का ठगों का संगठन भी बना हुआ है, मैं कहना चाहता हूँ जिस भी नेताओं ने बेईमानी की है, लोगों का हिस्सा लूटा है, लोगों के सोपे ढाका डाला है, इस बार उनको रगड़ के रख दो। कोई वोट नहीं, किसी से कोई डर नहीं, कोई पुलिस नहीं पकड़ सकेगी आपका, जो गलत काम करता होगा उससे पुलिस का डर होगा,
जो गलत करता होगा उसे किसी बड़े अफसर का डर होगा। हम कहते हैं ओ भैया जेड़ा केस बनाना है बनाओ, जो करना है करो, लेकिन हम बोले इनकी तरक्की देखो, जब आए थे मोटरों पे अब फॉर्चुनर में घूमते हैं, फॉर्चुनर में घूमते हैं, हम वोट लेने आए आप अभी से फॉर्चुनर में है, अभी से सब कुछ है हमारे पास, हमने राजनीति से तनख्वाह में से एक रुपया भी नहीं लेना, जिस दिन हम तनख्वाह में से हम दोनों एक रुपया भी लेंगे ना उसी दिन हमारा विरोध कर देना, उसी दिन अपनी कुर्सी छोड़ देंगे, एक रुपये का भी इल्जाम बताना उसी दिन कुर्सी छोड़ देंगे। शराब नहीं पीते, और भैया तुम क्या भांड करके बताते हो, आप कहते हो आप शराब नहीं पीते, जब से आप इलाके में एमएलए बने आपके टैन पे कम से कम 50 पाइन छापे बारे खुल गई है, जब भी इलाके में पाइन छापे खुलती है बारे खुलती है उसमें उस इलाके के एमएलए का हाथ होता है और एमपी का हाथ होता है, जगह जगह इनमें पूरी डिस्ट्रिक्ट में पूरे जम्मू कश्मीर में जगह जगह पाइन छापे खोल दी है, बार खोल दी है, लोगों की नौकरियां खोली है, रोजगार खोली है, टैक्स भरिए, यहाँ फैक्ट्री में जितनी फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया में खाया फैक्ट्री वालों से इलेक्शन फंड लेते हैं, किसी भी फैक्ट्री में चली जाइए 99% बाहर के 1% लोग हैं जम्मू कश्मीर के, जितनी फैक्ट्रियां हैं 1% जमीने हमारी इलाका हमारा, पोल्यूशन हम बर्दाश्त करें, गंदा पानी हम बर्दाश्त करें, गंदे पानी से नदियां हमारी खराब हो, यह रावी दरिया है, ये दिन दिन जिस साहब इन्होंने किया ना सिस्टम, ये तो इसका पानी भी किया रावी दरिया का, आज भी बंदा पानी पी लेता है आराम से पी लेता है, कोई तकलीफ नहीं, साफ सुथरा पानी है, रणजीत सागर डैम बना हुआ है जिसपे, इसलिए इन्होंने पूरा पूरा सेपा डाल देना है, इसलिए हम कहना चाहते हैं हमारे हमारे जितने भी युवा जो नौकरियों में पर थे सबको निकाला जा रहा है, सब डिपार्टमेंट को प्राइवेट किया जा रहा है, अब तो इन्हें बैंक प्राइवेट करने शुरू कर दिए, इन्होंने बिजली प्राइवेट करने शुरू कर दी, इन्हें मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछता हूं आपको, जब कोरोना आया था, कोरोना के वक्त में आपने आपके लिए डॉक्टरों ने और सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम डाल के काम किया था, कोरोना को दूर करने के लिए काम किया था, आप तो अपने एसीओ में बैठे हुए थे, आप तो अपने अपने बंगलों में बैठे हुए थे, उन डॉक्टरों को इस मंच से उन सफाई कर्मचारियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, और आप हम उनको डॉक्टरों को उन सफाई कर्मचारियों को कहते हैं हम आपके पूरी उम्र ऋणी रहेंगे, ना जब कोरोना के टाइम पे जिस समय कोई घरों से बाहर नहीं निकलता था, किसी नीचे पैसे पड़े हुए से वो नहीं उठाता था, उस समय बैंक वालों ने अपनी अपनी पूरी ईमानदारी की, और जहां बैठे बैंक के बाहर जब आता था मोदी साहब भेजते थे थोड़ा 500-500 रुपए उनके अकाउंट में, उनके अकाउंट में भेजते थे, तो वो लेने के लिए लोगों की लाइनें लगी होती थी, पैसे निकलवाने के लिए लोगों की लाइनें लगी होती थी, और वो मैंने उस समय 9000 परिवारों तक पूरी डिस्ट्रिक्ट में राशन पहुंचाया था, और मेरे पे बीजेपी वालों ने केस बनाया था, मतलब हमने लोगों की बेहतरी के लिए काम किया, तो केस बनाओ, पुलिस से अंदर करवाओ, जितनी मर्जी बार अंदर करवाओ, जेल में भेजो, आपने बड़ी बार भेजा है, बड़ी बार आपने अंदर करवाया है, आपने जो कुछ किया है हमने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन अब जब हम आपको आएंगे ना तो आपको पता अब चलेगा, इसलिए मैं कहता हूं वो बैंक वाले उन्होंने सफाई कर्मचारी डॉक्टर और बैंक वाले उन्होंने पूरी देशभक्ति एक बार नहीं उन्हें दो बार नोटबंदी के टाइम उन बंदों ने बैंक वालों ने ठरा ठरा घंटे काम किया, मैं आपको बताऊं जब नोटबंदी कर दी नोटबंदी में देश को फैला क्या हुआ, ऐसे ही इनके राजनीतिक लोगों के पास सब पैसे चेंज हो गए, बाकी मारेंगे, बाकी छोटे मोटे लोग तो मारेंगे, सिर्फ लीडरों के पैसे चेंज हुए, इन्होंने मैं आपको बताता हूं लीडरों ने 10 लाख में से 4 लाख काटते थे 6 लाख देते थे, इन्होंने 60% अगर कोई 10 लाख देता था ना तो ये 60% उसको वापस देते थे, 40% उन्होंने इनकी गाड़ियां की गाड़ियां पर के पूरे नोट चेंज हुए, इनको किसी ने मना नहीं किया, और नोटबंदी के टाइम इन्होंने बैंक वालों की बहुत बुरी हालत की, उनकी बुरी हालत की कि बैंक वाले 18-18 घंटे अगर कोई भी देश का कोई भी डिपार्टमेंट अगर कोई ईमानदारी से काम करता है तो वो भी देशभक्ति है, दो बार बैंक वालों ने अपनी देशभक्ति का सबूत दिया है, एक नोटबंदी के टाइम पे एक कोरोना के टाइम पे उन्हें देशभक्ति का सबूत दिया है, उन्होंने अपनी सुबह से लेकर शाम तक रात तक नौकरियां निभाई है, आज के टाइम पे ये बैंकों को अब प्राइवेट कर रहे हैं, बिजली वालों को प्राइवेट कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट इन्होंने बेचने शुरू किया है, इसलिए हालात बहुत बुरे हैं, अगर आप अच्छे लोग विधानसभा नहीं पहुंचाओगे तो ये नहीं बख्शने वाले, मैं आपको बताता हूं हमारे लखनपुर में एक टोल प्लाजा लगाया हुआ है, कैसे कानूनी तौर पे म्युनिसिपल कमेटी के दायरे के अंदर टोल प्लाजा लग ही नहीं सकता, दूसरा पहला टोल प्लाजा है चाखोलाड़ी,
उसे 60 किलोमीटर के आगे कानून के मुताबिक, केंद्र सरकार के कानून के मुताबिक वो टोल प्लाजा तीन तीन धक्काशाही से कानून को परे रख के, कानून का उल्लंघन करके उस टोल प्लाजा को लगाया है। मैं आपको बताता हूं, उस टोल प्लाजा में रोज का 3 लाख रुपया एक मंत्री को जाता है, 3 लाख रुपया वोट आपसे 3 लाख रुपया उसका बेटा लेता है। जितना कोरोना के टाइम पे धक्का किया वो जो होती टेस्ट किट उसमें इनका हिस्सा था, 3 लाख रुपया रोज का महीने का हिसाब लगा लो उस टोल प्लाजा में एक मंत्री को जाता है। और लखनपुर के 3 नुक्कड़ नेता है, नुक्कड़ नेता छोटे नेता ठीक है, लेकिन वो बड़ी पार्टी के साथ बड़े बड़े लीडरों के साथ फोटो खिंचा के तो वो अब डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी पूरी तुती मतलब उनकी बोलती है। वो छोटे 3 नेता है, एक को रोज का 50,000 रुपया, दूसरे को भी 50,000 रुपया, तीसरे को 20,000 रुपया रोज का, और एक एक्स मंत्री है उसको महीने का 5 लाख रुपया। मैं लगा हुआ हूं जिसने मेरे बनाना इस टोल प्लाजे को उठाना है, कहते हैं जेके 08 वालों का टोल माफ कर दिया, और सहन किया आपने हमारे डिस्ट्रिक्ट में धक्केशाही से गैर कानूनी तरीके से अपनी केंद्र की ताकत बता के, अपने जम्मू कश्मीर की प्रशासन के LG साहब की ताकत बता के आपने टोल प्लाजा लग दिया। तो आपने जेके 08 वालों को यह समझ लिया कि उनका टोल माफ कर दिया, तो आप बड़े ईमानदार हो गए। और टोल माफ जिसको घर में, अगर आपको इतनी तकलीफ है टोल लगाने तो अपने बीजेपी वालों अपने दफ्तर के बाहर लगाओ ना। मैं कहना चाहता हूं अगर ये नहीं रुके हर जगह टोल प्लाजा लगेंगे, हर पोल पे, ये पुसौली वाला पोल है, इन्होंने यहाँ पे टैक्स लगा देना है, पोल टैक्स है। देखो तुम अगर बीजेपी को 4 सीटें निकल गई ना, इन्होंने सेतु पे इन्होंने वहां पे टैक्स लगा देना है, पोल टैक्स। आज ये बसंत पर खड़े होके मैंने मेरे सब जितने भी समर्थक है सब लड़के खड़े हुए थे वहां पे खड़े हुए, और बसंतपुर पंचायत के लोग खड़े हुए थे, हमने वहां पे प्रदर्शन किया था, हमने बोला था हम पूरी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी विधानसभा है सारे लोग इकट्ठे करेंगे और जहां पे जाम लगाएंगे, जाम लगा के अगर ये सड़क की हालत सुधारो। उसी दिन 5-6 दिन ही खड्डे भरने शुरू हो गए थे, अब देख लो सड़क का काम लगा हुआ है, डबल सड़क बन रही है। चलो जिन लोगों ने भी किया है जो सरकार में है क्रेडिट आप रख लो, आपने कराया हम कहा करा सकते, हमारी कोई अफसर थोड़ा मानता है जब बनेंगे तो बनवा लेंगे है। इसलिए जिस सरकार ने भी बनाया है हम उनका भी ये इस काम के लिए उनका भी धन्यवाद करते हैं कि ठीक है लोगों के लिए कम से कम आप अच्छी सड़क तो बना रहे हैं। बनाओ खुली खुली सड़कें, चढ़ी उड़ी सड़कें बनाओ, सड़कें आप बनाओ, वोट मैं ले जाऊंगा पक्का, सड़क बना लो। ये मेरे प्रदर्शन के बाद ही शुरू हुई है, जब हमने बोला था कि हमने पूरे विधानसभा के पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग इकट्ठे करके जब हमने बैठने का प्रोग्राम बनाया था उससे पहले पहले उन्होंने कर दी थी। इसलिए हम कहते हैं बनाओ इन सड़कों पे, मेरे काफले चलेंगे, 100-200 गाड़ियां मेरे साथ जो चलने वाले हैं वो ही चलेंगे, क्योंकि मेरे साथ तो पूरी जनता है, हर कोई अपनी गाड़ी लेके अपनी जेब से तेल डाल के अपना टाइम खराब करके मेरे साथ कब से चल रहे हैं। तो इलेक्शन टाइम देखना कमाल होने वाला है, इलेक्शन देखने वाला है इस बार कितनी जनता जुड़ी है, सबके सब आ जाएंगे। आप क्या है आप पूरे 50-50 लीटर बैठते हैं, मैं अकेला हूं इस साइड, आप जाओ सारे इकट्ठे होके एक कैंडिडेट खड़े रहो, करा लो मुकाबला, जो कहोगे मंजूर है, सारे कैंडिडेट एक साइड खड़े हो जाओ, एक साइड मैं खड़े हो जाता हूँ, सेवा पक्की 100% ईमानदारी, और बाकी पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों के जो वाजिब काम होंगे उनके भी किए जाएंगे, लेकिन जो हमें कुर्सी में बिठाएंगे सबसे ज्यादा सेवा उनकी होगी। इसलिए आप सब लोग आए यहाँ पे, अभी थोड़ी देर बाद जहाँ खाना बन गया, हम 100% देशभक्त है 100%, इसलिए जब भी इलेक्शन आता है आप देश का तिरंगा लेके लोगों को देते हो छत पे लगाओ, मतलब आप लोगों को सिखाओगे कि वो देशभक्त है। भैया आपसे बड़े जो वोटर होते हैं वो आपसे लीडरों से बड़े देशभक्त है, जो वोटर होते हैं यही शेर होते हैं, लीडर तो सेवक है, लीडर तो धक्के से कहते हैं मैं शेर, लीडर शेर होता नहीं, लीडर तो सेवक है, सेवा करने वाला, जो वोटर होता है जो वोट डालने वाला होता है वो होता है शेर, और जो वोट डालने वाला है ना वो ही सच्चा देशभक्त होता है, क्योंकि वो लाइन में लगे वोट डालता है, पूरे कानून के हिसाब से चलता है। इसलिए आपके दर मैं कहना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को, पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को, पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लोगों को, पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, मैं कहना चाहता हूँ जब भी दबा अभी लड़के आए इन्होंने झंडे लगाए हैं अपनी गाड़ियों पर, खुद खरीद के झंडे लगाए हैं। मैं कहना चाहता हूँ जिस दिन भी अपने घर पे कोई झंडा लगाए ना अपना खरीद के लगाओ, किसी लीडर से मत लो, अब लीडर हमें तिरंगा देंगे तो हमारी देशभक्ति हमारी
हमारी देशभक्ति लीडर हमें बताएंगे, वोटरों को वो बताएंगे। श्री चंद्रशेखर शेखर साहब जी का फोटो है पीछे, जय हिंद भारत हमारा ना। आज भी हम कहते हैं कि हमारा कोई टी शर्ट पे फोटो नहीं होगा कोई नाम की किसी काम के लिए, जब हम MLA बनने से पहले किए हैं, जो बाद में करेंगे। कहीं प्लेट नहीं लगी होगी, हमारी प्लेटें तो लोगों के दिल में लगी है, हमारा लोगों के दिल है। राज करते हैं जीतने के बाद, MP MLA मंत्री बनने के बाद राज करते हैं, और इनका राज थानों से चलता है, लोगों को प्रभाव में रखते हैं। लोग आगे पीछे जैसे कैमरा देखते हैं, लोग कहते हैं नहीं नहीं भरावा थाने अंदर कराई उड़ता फलाना मंत्री ये इन्हें कराई उड़ता। ठीक है, मैं कहना चाहता हूं, और ये सिर्फ आपको झूठा ट्रावा मारते हैं। जब कोई गलत आदमी काम ही नहीं करता तो उसको क्यों पुलिस अंदर देगी? मंत्री के कहने पे कर देगी, केंद्रीय मंत्री के कहने पे, या जम्मू कश्मीर के किसी दूसरे जो पहले स्टेटों में सरकारें रही हैं उनके कहने पे अंदर कोई अंदर कर दे, कोई परवाह नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, भाई आप एक काम करो, किसी बात की मैं कहता हूं, ये राज करते हैं, मैं सेवा करता हूं, मैं सेवक हूं, मैं राज हूं। मैं सिर्फ मेरा अपना इलेक्शन से पहले भी, चाहे MLA बनने के बाद भी, मंत्री बनने के बाद ही बन जाना है, काम फिट है। मैं आपको बताता हूं, मैं लोगों के दिलों पे राज करता हूं, दिलों पे लोगों ने अपने दिल में, लोग मेरे दिल में रहते हैं, मैं लोगों के दिल में रहता हूं। देख लेना जिसे वोट करेंगे, ये देख लेना जिसे जज नहीं मिलेगा। ये धक्केशाही से, इनके सरकारी दफ्तरों से, इनके सेक्रेटरी से, DC दफ्तर से, SP दफ्तर से, SHO से, वहीं से इनका राज चलता है, वहीं से करते हैं। उसके बाद कहते हैं मंत्री साहब बिजी हैं, नहीं मिलेंगे। जब वोट मांगने आते हैं तब उस समय हर किसी के घर घर घूमते हैं, तो उसके बाद जब दूसरी बारी आती है, चार चार पुलिस की गाड़ियां, छह छह SHO SP साथ में, DC, क्या दिखाते हो? इन्हीं लोगों ने आप लोगों को बनाया है। मैं लीडरों को कहना चाहता हूं, आपके घर का खर्चा वोटरों की वजह से चलता है। आपके बच्चे, आपके लीडरों के बच्चे, आप लीडरों के बच्चे इन वोटरों की वजह से पलते हैं, इन वोटरों की वजह से वो बड़े बड़े अफसर बनते हैं, जो आपके पर अपनी जो बड़िया बाइंशापा शराबां दे ठेकेदारियां दे ये करते हैं ना, इन्हीं लोगों ने वोट डाले हैं, इन्हीं लातों के लोगों ने वोट डाले हैं। आप क्या किसी को तोस बताते हो थाने की पुलिस की? क्या लोगों को, लोगों ने आपको उस कंडीशन में भी देखा था जिस कंडीशन में आप वोट मांग रहे? जब वोट मांगने का आते हो उसमें पैर भी छूते हो, उसमें सब कुछ करते हो, तो उसके बाद मैं कहना चाहता हूं, MLA बनने के बाद कसौली विधानसभा क्षेत्र और जसोटा विधानसभा क्षेत्र में जब भी घूमेंगे, हमारे आगे पुलिस की गाड़ी नहीं चलेगी, हम अपनी गाड़ी आगे रखेंगे, पुलिस की गाड़ी पीछे आएगी। जिस विधानसभा क्षेत्र से लोगों ने MLA बनाया हो वहां किस बात का डर है? आगे चलेंगे, हाँ किसी दूसरी विधानसभा में जाएंगे, किसी दूसरी स्टेट में जाएंगे तो पुलिस की गाड़ी चले आगे, उनका काम है। काम नहीं होता, हाथ खड़े करके बोल दो कि जिस फर्क नहीं बनती। मैं लीडरों को और अफसरों को बोलता हूँ, मैं अपने पैसे खर्च करके बना दूंगा, अपने पैसे खर्च करके। इसलिए जनता अपना, ये लीडर हाथ खड़े कराने वाला सिस्टम, मैं जनता को कहना चाहता हूँ, लीडरों के हाथ खड़े करवाओ, लीडरों के, जनता का जब भी हाथ खड़ा हो तो किसी शहीद के अमर रहने पे करे, किसी हिंदुस्तान जिंदाबाद के लिए बोले, किसी धार्मिक गुरुओं भगवानों खुदा के लिए, गुरु नानक देव जी के लिए हाथ खड़े होके उनके लिए बोला जाए, लेकिन लीडरों के लिए हाथ खड़ा करके बोलने की जरूरत कोई नहीं है। ये कल भी करप्ट थे, ये आज भी करप्ट है, इनको करप्ट की बीमारी है। मैंने कहा मेरी बात यार मोदी साहब तक पहुंचाता कोई नहीं, बड़े चैनल कवर नहीं करते, छोटे चैनल करते हैं, उधर पता नहीं चलता। मैं मोदी साहब, आपने कोरोना की बड़ी तगड़ी वैक्सीन निकाल दी, कोरोना आपने वैक्सीन से दूर करवा दिया, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं पूरे जम्मू कश्मीर का। मतलब आप एक वैक्सीन वो भी निकालो ना, भाई बेईमान मंत्रियों को एक टीका लगाओ वो ईमानदार हो जाए। मोदी साहब पूरी उम्र आपका मत्था टेकता रहूंगा सुबह उठ के, हैं? आप एक वैक्सीन मंगाओ कि देश में जितने भी करप्ट नेता है, जितने भी सरकारी अफसर करप्ट है, सरकारी अफसर करप्ट नहीं होता, सरकारी अधिकारी करप्ट नहीं होता, उनको नेता करते हैं। सरकारी अधिकारी अफसर करप्ट नहीं होते, उनको मंत्री MLA MP करप्ट करते हैं, उनको चीफ मिनिस्टर करप्ट करते हैं। कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा वो करप्ट नहीं होता, वो सच्चा देशभक्त और 100% ईमानदार होता है। लेकिन जब किसी मंत्री के अंडर काम करना पड़ता है, किसी MLA के, किसी चीफ मिनिस्टर के, किसी केंद्रीय मंत्री के, किसी MP के, तो वो इनका गलत ईमानदारी का बर्त तोड़ते हैं। जैसे किसी को बर्तन रखा हो ना तो भलेखे से चोलों का दाना मुंह में चला जाए, तो वो सोचता है बर्तन तो टूट गया तो प्लेट भर के खा लो। पहले छोटे लेवल से रिफे शुरू होती है, फिर बड़े बड़े गाले होते हैं, उनका बर्त ईमानदारी का तोड़ते हैं लीडर।
सरकारी अधिकारियों का अफसरों का कोई कसूर नहीं है, जितना कसूर है राजनीतिक नेताओं का है, मंत्रियों का है, एमएलएओं का है। इसलिए मैं मोदी साहब, मैं कह मेरी बात पहुंचाओ और वैक्सीन निकालो, जिसे टीका लगे तो बंदा ईमानदार हो जाए। ऐसे भी निकाल सकते हो, आपके बड़े बड़े आपके पास मतलब इंटेलिजेंट लोग, बेईमान बंदा टीका लगे ईमानदार हो गया है। इनको इनके जो लीडरों के बच्चे है ना, वो इनको बेईमानी करने को नहीं बोलते, मेरे को पता है। लीडरों के बच्चे इनको बेईमानी करने को नहीं बोलते, इनकी बीबियां इनको बेईमानी करने को नहीं बोलते। इनको बीमारी है, ये बड़ी तगड़ी स्कूल से भी ज्यादा बीमारी है, इनको करप्शन की बीमारी है। जब लीडर लीडर इकट्ठे बैठते हैं ना, तो बीमारी लग जाती है इनको, वो वाली बेईमानी वाली वो बीमारी है। उस बीमारी का एक इलाज है, देखो ना, ये घर जाके अपना दावा मारते हैं कि ये बेईमानी कर रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चे कभी नहीं बोलते। इनकी बीबियां महिला कभी बोलती नहीं बेईमानी करने के लिए, इनको अपनी बीमारी है, मर्जी इनकी अपनी होती है बेईमानी करने की। नाम जे टब्बर का लेते हैं, नाम अपनी बीवियों का लेते हैं, नाम है अपने प्राप्ति जो का लेते हैं, बेईमानी की बीमारी। ये जो बेईमान लीडर हैं, इनके लिए मोदी साहब एक वैक्सीन निकाल दो। मैं बड़ा आपका धन्यवाद करूंगा, इसलिए